दोस्तों नमस्कार, ऊन की धरती से आपका स्वागत, वेलकम। मेरे हाथ में एक पंपलेट है, नगर पंचायत ऊन के चेयरमैन पद के उम्मीदवार कर्मठ ईमानदार मजबूत प्रत्याशी विनय कुमार कौशिक उर्फ टोनी। वैसे जैसे मैंने एंट्री ऊन में की तो कुछ लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की है, कुछ रेडी वालों से, रक्षा वालों से। उन्होंने बताया कि विनय कुमार कौशिक उर्फ टोनी भी मजबूती अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्यार में टोनी कहते होंगे, कुछ गांव का रीति रिवाज रहा है हमारे देश और प्रदेश के अंदर के दो दो नाम होते हैं, जिनके दो नाम होते हैं शायद उनको प्यार से ही पुकारते होंगे। हाँ सर, मुकाबला किन से होने जा रहा है? मुकाबला तो अभी कंफर्म नहीं है जी, किसी से होगा। प्रत्याशी हैं चार मैदान में, मेन एक लोकदल से, एक से तो जो से। भी हैं ये बताइए आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? मेरा मुद्दा डिग्री कॉलेज बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, तो सब कुछ कस्बे का पूरा विकास करना है। यानी आपके माइंड के अंदर काफी प्लान हैं और काफी योजनाएं हैं जो आप नगर और जनता के हित में करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन सर, चुनाव लड़ने का मूड मन कैसे बना? मेरे पापा बहुत दिन से जन सेवा कर रहे थे, तो वो बुजुर्ग हो गए, फिर मैंने ये कमान अपने कंधे पर रख ली। जन सेवा करने का विचार था, इसलिए इलेक्शन में आगे। अच्छा, आपके पास जीत के या जीत के आसपास के आंकड़े समीकरण क्या हैं, आप थोड़ा बताएं, फिर मैं सवाल करता हूँ। जीत के आंकड़े तो पब्लिक है, पब्लिक ने आपको बताया ही होगा, अभी अभी बता रहे थे कि कुछ से बात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ मजबूती से हैं, कि वो मजबूत दावेदारी पेश भी कर रहे हैं फाइट के चुनाव जी। बसपा का वोट बैंक है अपना कस्बे में पूरा, गरीब लोगों का साथ है मुझे। अगर आप चेयरमैन बनते हैं, बीएसपी के कैंडिडेट विनय कुमार कौशिक उर्फ टोनी अगर चेयरमैन बनते हैं, नगर पंचायत में पहुंचते हैं, तो क्या जरूरी काम होंगे, क्या है मन में करने के लिए? मुझे विधवा पेंशन बनवानी, सब पेंशन जितनी भी गवर्नमेंट से हैं, जो गवर्नमेंट एड भेजती है उससे सबको जो लाभान्वित करना। लेकिन डबल इंजन की सरकार चल रही है देश और प्रदेश के अंदर, बहुत सारी योजनाएं हैं जो नगर पंचायत में आती हैं या नगर पंचायत से अलावा आती हैं, जो गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा के हित में कर रही है। आप नया क्या देना चाहते हैं? नया कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट की ऐड होंगी वही मैं अपने पास से थोड़ा ही कुछ दूंगा। यानी जितनी भी केंद्र और राज्य की सरकार की योजना नगर पंचायत में आएंगी, के लिए पूरा जोर लगाऊंगा कि वो सबको घर घर तक पहुंच जाए। और आप यही चाहेंगे कि जो उसका असली हकदार है उसको लाभ उसको मिले। सर ये बताइए, जैसे आप वर्क कर रहे हैं, अभी भी आप हमें रास्ते में ही मिल गए सड़क पर, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते हुए आप जनता से कैसे अपील करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, वापस में क्या जवाब मिलता है, और उस जवाब से, उस जन समर्थन से आप कितना सेटिस्फाई हैं? मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ। सवाल क्या करूँ, जवाब क्या बताऊँ उन्हें, वो तो शायद बताने लायक, वो अंदर की बात है। हाँ बात सही है, कैमरे में बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं। सर आपका नाम जानना चाहूंगा? मोहन शर्मा। मोहन शर्मा, ब्राह्मण है आप, तो आपके समाज का मन मूड क्या है, क्या नजरिया है? हमारे ही समाज का नहीं, हमारे पास सकल समाज का समर्थन है। टोनी जी के साथ जितना भी समुदाय जुड़ा है वो सकल समाज का जुड़ा हुआ है। इनकी जीत विधाता के हाथ को मैं साक्षी मानते हुए पक्की है, निश्चित है, क्योंकि इनकी ऊन के कस्बे में कण कण में पुकार है, जन जन में पुकार है कि इस बार यहाँ के उम्मीदवार टोनी भाई को ही हमें विजयी बनाना है। आपके हाथ में पंपलेट है, स्टिकर है, लग रहा है आप टोनी जी के ज्यादा नजदीक साथी हैं जी। तो आप मूड क्या देख रहे हैं जैसे वर्क में जा रहे हैं? बहुत अच्छा मूड है जी पब्लिक का, जिसका समय आने पर रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा। सर आपका भी नाम जानना चाहूंगा, अच्छी शर्ट पहन रही है। ओमवीर सिंह, मैं तो व्हाइट है अच्छी का। चलिए खैर, बताइए जनता का नजरिया क्या है जिससे आप वर्क में जा रहे हैं? जनता का नजरिया बहुत अच्छा है, सभी लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। बाकी लोग इनकी पसंद करने की वजह क्या है? पसंद करने की वजह, तीन कैंडिडेट तो पहले चुनाव लड़ चुके, जीत चुके, रह चुके शहर में, ये परिवार से नहीं, नहीं तीन कैंडिडेट जो और हैं। अच्छा, ये नए कैंडिडेट हैं, इन सभी लोगों के बीच में रहते हैं ज्यादातर, बिना चेयरमैन रहते हुए चेयरमैन जितने काम किए हैं। जैसे कि कुछ सेवाएं बताइए सर। देखो ये जितने प्रधानमंत्री आवास के जितने मकान बने हैं, सारा सरे ही नहीं हुआ है,
तो भाजपा के कैंडिडेट भी ये बोल देंगे कि मोदी और योगी जी की योजनाएं हैं, लाभ हमें मिलेगा। योजनाएं चलती तो है, उन्हें कार्यान्वित करवाने का श्रेय किसको जाना चाहिए? जो करवाता है, बहुत सारी योजनाएं चलती है, बीच में खत्म हो जाती है, पहुँचती नहीं, या जनता तक नहीं जा, प्राण तक नहीं पहुँच पाती ना, इसलिए होता है। पेंशनों का काम होता है, सरकारी योजनाएं बहुत निकालती है, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, उनको पहुंचाने का कार्य होना चाहिए ना। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। ये काफी विकासशील व्यक्ति है और इन्होंने कस्बे में चेयरमैन न होते हुए भी काफी विकास किया हुआ है और ये 5 साल से विकास में ही लगे हुए हैं, जो कि ये अपने खर्च से विकास वहन कर रहे हैं। दोस्तों ये मुझे जो सीधे साधे और शरीफ भोलेपन का फोटो मेरे हाथ में है, ये इतने तेज तर्रार लग रहे हैं, कैमरे से ही प्रचार के लिए चले गए थे और इतने एक्टिव हैं कि बहरहाल इनके जो दूसरे साथी से मैं बातचीत कर रहा था तो ये दूसरे वोट की अपील करने के लिए चले गए। हमारी दूसरी रिपोर्टर ने कहा कि वीडियो पूरी होने वाली, आप दोबारा आ जाइए, तब ये दोबारा आए हैं। बहरहाल ये कह रहे हैं इनसे भी बातचीत की जाए। हाँ जी, आप काफी देर से हमें भी सुन रहे हैं, इनको भी सुन रहे हैं, क्या माहौल है? हाँ जी, बहुत अच्छा माहौल है जी। किसका माहौल है? सब छोड़ दो। हाँ जी, माहौल ठेकेदार का जी। क्या निशान है? निशान हफ्ते का जी। अच्छा, बहरहाल। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। हाथी का निशान है और टोनी नंबर वन पे है। टोनी नंबर वन पर क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्या करूं? खूबी इतनी है कि ये लड़का होनहार ज्यादा है, किसी काम को अगर हम चले गए तो इसने कभी मना नहीं किया। यानी शहर और जनता हित में जब भी इनके पास गए हैं, कोई निराश होकर नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई टाल मटोल नहीं करी, हमारे काम में कोई बाधा नहीं करी, हमारा काम करके दिखा। बहरहाल ये टोनी साहब हैं जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, विजय कुमार कौशिक जी जो बसपा से, विनय कुमार, इन्होंने बताया कि विनय कुमार उर्फ टोनी जो बसपा के कैंडिडेट हैं, इस कार्यक्रम को अभी यही खत्म कर दे। नमस्कार।